हेलो फ्रेंड्स, आज हम चॉकलेट बॉल केक बनाएंगे जो कि बच्चों को बहुत पसंद होती है और ये 10 मिनट में फटाफट बन जाती है फ्रेंड्स। और इसे बनाने के लिए ना तो हमें गैस जलाने की ज़रूरत है और ना ही बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए फटाफट इस चॉकलेट बॉल केक को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हैप्पी हैप्पी बिस्किट लिया है फ्रेंड्स। तो आप इसकी जगह पे कोई भी दूसरा चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं आपको जो पसंद है। उसके बाद हमें बिस्किट को सबसे पहले ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेना है मिक्सर में। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर में पीस के एकदम बारीक पाउडर बना लिया है, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो मैं सभी को निकाल लेती हूँ एक बाउल में। उसके बाद यहाँ पे मैंने रोस्टेड पीनट लिया है फ्रेंड्स। तो रोस्टेड पीनट को मैंने थोड़ा सा बारीक कर लिया है। उसके बाद हम इसमें चॉकलेट सिरप डाल देंगे 2 चम्मच के बराबर, या फिर आप यहाँ पे मेल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपके पास मेल्टेड चॉकलेट या फिर चॉकलेट सिरप दोनों नहीं है तो फिर आप बस दूध डाल के इसमें और इसका डो बना लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसका डो बना लेंगे। और इसे डो को ज़्यादा पतला नहीं करना, गीला नहीं करना है, थोड़ा सख्त डो बनाना है जिससे हम आसानी से इसका बॉल बना पाए। तो हम थोड़ा थोड़ा इसमें से डो तोड़ेंगे छोटा सा और इसका बॉल बना लेंगे। इस तरह से मैंने एक बना लिया है, तो इसी तरह से मैं सभी को बना लेती हूँ, सभी बॉल को। तो यहाँ पे मैंने सभी बॉल को बना लिया है फ्रेंड्स। उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे। तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने मेल्टेड चॉकलेट लिया है फ्रेंड्स। तो आप कोई भी मिल्क चॉकलेट को मेल्ट कर लें, तो आपको मेल्ट कर लेना है। और इसमें मेल्ट करते टाइम आप थोड़ा सा इसमें कोकोनट ऑयल या फिर बटर डाल सकते हैं, तो उससे साइन आ जाता है चॉकलेट में। उसके बाद हमें सभी बॉल को चॉकलेट में कोट कर लेना है। उसके बाद मैं इसे एक फॉक पे रख लेती हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा चॉकलेट होगा वो नीचे आ जाएगा। उसके बाद प्लेट में रख देंगे। तो सभी को इसी तरह से चॉकलेट में डिप कर लेना है सभी बॉल को। उसके बाद इस तरह से हम इसे फॉक पे थोड़ी देर के लिए रखेंगे और इसके बाद मैं प्लेट में रख देती हूँ। तो इसी तरह से मैं सभी को मैंने चॉकलेट में कोट कर लिया है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है, आपको फ्रिज में भी नहीं रखने की ज़रूरत है, ऐसे ही ये इधर ही सेट हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो ये सेट हो गया है, चॉकलेट पूरी तरह से सूख गया है। उसके बाद हमें नाइफ से इस तरह से हटा लेना है, अलग कर लेना है। उसके बाद मैंने प्लेट को यहाँ पर साफ़ कर लिया है सभी को निकाल कर। और इसके बाद मैं ऊपर से थोड़ा सा इस तरह का डिज़ाइन बना देती हूँ जिग जैग का। आप यहाँ पे चॉकलेट से भी डिज़ाइन बना सकते हैं जिग जैग का, मैं यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट क्रीम से बना रही हूँ। और ये हमारी चॉकलेट बॉल केक बनके रेडी है, मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। तो आप भी इसे फटाफट इस तरह से बना सकते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।